फ्रेंड्स, आप नर्सरी से या फिर खुद से कटिंग करके प्लांट्स तो ले आते हो, पर हम में से बहुत से लोग हैं जिससे कि मिट्टी की बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे तो खुद बहुत ज़्यादा मिट्टी की प्रॉब्लम होती है, मिलती ही नहीं है यहाँ पे तो। और आजकल पॉट्स भी फ्रेंड्स कितने महंगे हो गए, एक छोटा सा भी पॉट्स आप बाहर से लो तो 100 रुपीज़ से कम नहीं मिलता, तो बहुत महंगे 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 पॉट्स आ रहे हैं, मिट्टी भी नहीं मिल रही है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, मैंने आज की वीडियो में उन प्लांट्स को शेयर की हूँ जो कम मिट्टी में छोटे पॉट में इजीली लग जाते हैं। आपके घर पे जो छोटा मोटा डब्बा वेस्ट डब्बा होगा, बस वो सब को आप ले लें और थोड़ी सी मिट्टी ले लें, इससे आपका प्लांट बहुत अच्छे से रहेगा। जो जो मैं प्लांट का नाम बताऊंगी, उसको बहुत सारे प्लांट्स का मैं डेमो भी शेयर करने की कोशिश करूंगी, तो आप बस वीडियो पे बने रहना और देखना कौन कौन से ऐसे प्लांट है जो इजीली छोटे पॉट में कम मिट्टी में सर्वाइव कर जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम कैलेथिया, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इजी टू केयर है। इसके लिए मैंने सॉयल मिक्सचर पहले से प्रिपेयर करके रखी हूँ। सॉयल मिक्सचर में आपने डालना है सॉयल 15%, सैंड 20%, कंपोस्ट 20%, कोकोपीट 20%, अगर आपके पास वुड कोल है तो वो 5% डाल देना। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाली। तो इस तरह से करके आपने सॉयल मिक्सचर बनाना है और इसको प्रोपोगेशन कर देना है। इसको इसका प्रोपोगेशन बहुत इजी है, ये रूट डिवीजन से इजली हो जाता है। ठीक है, ये एक पहला प्लांट हुआ। दूसरा स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट भी छोटे से डब्बे में इजी लग जाता है, पर स्नेक प्लांट का थोड़ा डब्बा जब आप सेलेक्ट करोगे तो उसका डब्बा थोड़ा लंबे में लेना। ये मेरा आइसक्रीम बॉल है, आइसक्रीम बॉल अच्छा होता है, वो थोड़ा लंबा वाला आइसक्रीम बॉल है ना, उसमें मैंने लगाया। तो देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। और इसका प्रोपोगेशन बहुत सिंपल है, ये लीव से इजली हो जाता है। लीव को कट करके पानी में आप रख दो, इसमें तुरंत रूट डेवलप हो जाएगा और आपका एक प्लांट तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये पेडेलंथस है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसे भी छोटे बॉल में कम मिट्टी में ये इजली सर्वाइव कर जाता है। इससे पहले भी मैं लगा चुकी हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है कि ये छोटे बॉल में अच्छे से लग जाता है। बस इसके बॉल की जो आप छोटा बॉल जो लोगे तो उसका हाइट थोड़ा लंबे में रखना, ठीक है। और इसका प्रोपोगेशन बहुत ईजी है, इस तरह से आपको कटिंग को अच्छी तरह से काट लेना। बट कटिंग लगाने से पहले जो आप कटिंग लोगे तो व्हाइट कलर का एक मिल्क निकलता है, तो उसको पहले ड्राई होने देना, एक दिन काफ़ी होता है, ड्राई हो जाएगा तो फिर आप इसको लगाना। ये इजी है लगाना, इजी है इसका प्रोपोगेशन। बस व्हाइट कलर का जो मिल्क होता है उसको आप थोड़ा सा प्रोपोगेशन करने के बाद थोड़ा हैंड वॉश कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, बहुत लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बस हल्का फुल्का होगा, किसी किसी को होता है, तो बस उसको हैंड वॉश कर लीजिएगा और कुछ नहीं है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट मैं मनी प्लांट को लूँगी। मनी प्लांट एक बहुत ही प्यारा बहुत ही क्यूट प्लांट है, छोटे बॉल में इजली लग जाता है, इसकी मिट्टी की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, थोड़े से मिट्टी में छोटे से बॉल में लग जाएगा। और यहाँ मैंने होल कर लिया, हर बॉल में होल करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि पानी इजली ड्रेन आउट हो जाए। और मैंने सॉयल मिक्सचर में हल्दी का यूज़ कर रही हूँ कि हल्दी जो है हेल्दी होता है प्लांट के लिए, तो आपने भी हल्दी का यूज़ कर लेना है और इस तरह से आप प्लांट लगा लें। मनी प्लांट छोटे से बॉल में कम मिट्टी में रह जाता है। और ये एक दूसरा प्लांट है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और छोटे पॉट में इजली सर्वाइव कर जाता है। ये एक ऑर्नामेंटल ग्रास है, इसका नाम है मोंडो ग्रास। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, इवन ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है। ये एक दो वैरायटी में आती है, ये ड्राफ्ट वैरायटी वाली, एक लॉन्ग वाली भी आती है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, दोनों के दोनों बहुत खूबसूरत लगता है। इसको भी छोटे पॉट में कम मिट्टी में ये इजली रह जाता है। और दूसरा जो प्लांट है ये डेरेसिना है, ये भी छोटे से बॉल में और कम मिट्टी में इजली रह जाता है। देखें इसके गमले की साइज़ कितना छोटा सा गमला है और इसमें इतना बड़ा सा प्लांट है, कितना छोटा और कितना प्यारा लग रहा है, छोटे से गमले में इतना लंबा सा प्लांट। तो इसे भी आप लगा सकते हो, इसको भी ज़्यादा मिट्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, छोटे पॉट में इजली लग जाता है, इजली रह जाता है, काफ़ी दिनों से मेरे पास है, तो इसे भी आप लगा सकते हो। ये कम मिट्टी में छोटे पॉट में इजली सर्वाइव करने वाला प्लांट है, डेरेसिना का एक वैरायटी है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही प्यारा प्लांट है, ये एलोवेरा है। एलोवेरा तो हर घर पे होना ही चाहिए। एलोवेरा प्लांट बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छा होता है, इसके तो स्किन में लगाओ, हेयर में लगाओ या फिर प्लांट्स में भी इसके रूटिंग में डाल दो, तो हर जगह ये बहुत अच्छा काम करता है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही हेल्दी प्लांट है, इसे तो लाजमी आपने अपने अपने घर पर रखना। ये छोटे बॉल में आपके घर पर जो भी छोटा सा बॉल होगा उसमें आप
लगा लेना, ये इजी है इसको लगाना और इसको रखना भी इजी, इसको पानी की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो इसे एलोवेरा को आप जरूर से लगाना। और ये है सिंगोनियम प्लांट, ये भी बहुत ही प्यारा बहुत ही क्यूट प्लांट है, ये भी छोटे से बॉल में इजली लग जाता है, इसको इसका बॉल का साइज़ एकदम छोटा सा भी होगा तब भी लग जाएगा और मिट्टी की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इवन ये पानी में भी इजली रह जाता है, तो इसे भी आप लगा लेना, ये छोटे बॉल में इजली रह जाता है। और ये विंका है, विंका की दो वैरायटी आती है, एक हाइब्रिड वैरायटी और ये वाली, दोनों के दोनों छोटे बॉल में इजली लग जाता है, इस बहुत सारे कलर्स में आते हैं और सारे कलर्स बहुत ही प्यारे होते हैं, तो इसे भी आप लगा सकते हो छोटे बॉल में, कम मिट्टी में ये इजली रह जाता है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही प्यारा प्लांट है, कम मिट्टी में छोटे बॉल में इजली रह जाता है, ये मैक्सिकन मिंट प्लांट है और देखिए कितना छोटा सा मेरा गमला है और ये कितने दिन से, मेरे ख्याल से 2-3 साल से तो होगा इसी तरह है, ये कटिंग से इजली लग जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट, तो आप इसे भी कम मिट्टी और छोटे से प्लास्टिक के बॉल घर पर होगा कोई वेस्ट बॉल उसमें आप लगा लेना, मैंने इसका कटिंग काट के वेस्ट बॉल में लगाया था तो उसमें भी काफ़ी दिन से है, बगल में मैं दिखा रही हूँ आपको ये वाला देखो, इसे इसी कटिंग से मैंने लगाया और देखो कितना कम मिट्टी का रिक्वायरमेंट हो रहा है इसमें और कितना छोटा बॉल है और काफ़ी दिनों से ये प्लांट है, तो इसे भी आप लगा सकते हो। और ये है बेबी टीयर्स प्लांट्स और इसका बॉल का साइज़ आप देखो कितना छोटा सा है, तो इसे भी आप लगा लेना, ये हैंगिंग प्लांट है, ये हैंगिंग बॉल में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, लेकिन मैंने इसे छोटे से बॉल में लगाया है, तो इसे भी आप हैंगिंग की तरह आप हैंग कर सकते हो चाहो तो ये छोटे से बॉल में इजली रह जाता है, इसे भी आप लगा लो, इसे कम मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही प्यारा अल्टरनंथा प्लांट है और इसका देखिए गमले का साइज़ कितना छोटा सा है, इसे भी कम मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है और ये बहुत ही प्यारा लगता है, ये कलर अपना चेंज करता है, जब बहुत ज़्यादा धूप में रहता है तो ये थोड़ा रेड टाइप का हो जाता है, जो धूप कम रहता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, बहुत ही प्यारा प्लांट है। और दूसरा जो है जिसमें छोटे से बॉल में लगने वाला कम मिट्टी का रिक्वायरमेंट होता है वो है एग्लोनिमा, ये भी बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसे भी देखिए वेस्ट डब्बा है, मेरे किचन का डब्बा है उसमें मैं लगाई हूँ, तो इसे भी आप छोटे बॉल में कम मिट्टी में इजली लगा सकते हो, काफ़ी दिन से मेरे साथ है तो इसे भी आप लगा लेना। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही प्यारा प्लांट है और बहुत ही कम मिट्टी में इजली सर्वाइव कर जाता है और देखिए ये कितना छोटा सा मेरा आइसक्रीम का कंटेनर है उसमें ये अच्छे से रह रहा है, ये भी काफ़ी दिन से है, ये टर्टल वाइन है, ये एक हैंगिंग प्लांट है और कितना अच्छा लगता है ये जब पूरा नीचे की तरफ गिरता है, तो इसे भी आप कम मिट्टी में इजली लगा सकते हो। ये अजवाइन का प्लांट है, ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, कम मिट्टी और छोटे पॉट में इजली रह जाता है, इजली लग जाता है, कटिंग से ये इजली हो भी जाता है, देखिए मेरा पॉट का साइज़ कितना छोटा सा पॉट है इसमें ये अच्छे से रह रहा, काफ़ी दिन से मेरे साथ है और इजली कटिंग से लग भी जाता है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही प्यारा बहुत ही क्यूट प्लांट है और मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है, ये क्रीपिंग इंच प्लांट है और देखिए कितना छोटा सा मेरा बॉल है उसमें ये इजली रह रहा है, काफ़ी दिन से है ये मेरे साथ और छोटे से छोटे बॉल में इजली रह जाता है, इसे मिट्टी की भी देखिए इसमें मिट्टी कितना आपको कम दिख रहा होगा, थोड़े से मिट्टी में छोटा सा बॉल में इजली सर्वाइव करने वाला एक प्यारा सा हैंगिंग प्लांट है क्रीपिंग इंच, इसे भी आप लगा लो, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। और ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसे भी मैं एक छोटे से डब्बे में लगाई हूँ, ये बॉडी लाइन है, ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसे इजी टू केयर है, ये कटिंग से इजली लग जाता है और छोटे से बॉल में थोड़े से मिट्टी में इजली रह जाता है, इजली सर्वाइव कर जाता है, इसका कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, देखिए ये कितना छोटा मेरा बॉल है इसमें ये रह रहा है, काफ़ी दिन से मेरे साथ है तो इसे भी आप लगा सकते हो, ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी छोटे से बॉल में इजली लग जाता है, ये है रेबल्स बैकबोन और ये तो मैं पॉलीथीन में लगाई हुई हूँ, तो देखो कितना ग्रीन और कितना हेल्दी दिख रहा है, तो इसे छोटे से बॉल में भी आप लगा सकते हो या चाहो तो पॉलीथीन में भी लगा सकते हो, इसके भी कम मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है और इजी टू केयर है, कटिंग से इजली लग जाता है। और दूसरा जो प्लांट है वो जेट प्लांट है, ये भी छोटे से पॉट में इजली रह जाता है, ये अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की है, 2-3 दिन पहले तभी मैंने इसका फुल प्रोपगेशन भी किया था वीडियो में, तो आप वहाँ से चेक कर लेना, तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट है, छोटे बॉल में इजली लग जाता है और कटिंग से इजली हो जाता है, इवन ये लीव से भी हो जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये देखे एग्लोनिमा ये भी है, ये देखे ये छोटा सा बॉल है, कितना छोटा बॉल है इसमें ये लगा हुआ है, तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, तो इसे भी आप लगा लेना।
फ्रेंड्स दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और ये पर्सलिन का प्लांट है। इसमें पिंक कलर की छोटे छोटे बहुत प्यारे से फ्लावर्स होते हैं, और ये देखिए मैं बोतल के ऊपर वाले जो ढक्कन होता है उसको कट करके एक छोटे से पॉट में लगाई हूँ। इस ये भी छोटे पॉट में कम मिट्टी में ईजिली रह जाता है, ईजिली सर्वाइव कर जाता है। तो इसे भी आप छोटे से ढक्कन या कोई भी छोटा सा कंटेनर ले लें, उसमें आप लगा दें तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। और दूसरा जो प्लांट है वो कैलेंचो का प्लांट है, ये भी बहुत ही प्यारा है। इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग ना भी हो तो इसके लीफ इतने प्यारे लगते हैं। तो इसे भी देखें मेरा बॉटल जो है कितना छोटा सा है, तो इस छोटे से बॉटल में भी ये रह जाता है, लग जाता है। तो आप इसे भी छोटे से डब्बा या कुछ भी आपके पास होगा उसमें आप लगा लें। इसमें भी मिट्टी की रिक्वायरमेंट जो होती है बहुत कम होती है, तो इसे भी आप लगा सकते हो। ये है एग्लोनिमा, जिसे कि रेड लिपस्टिक कहते हैं। ये भी मैंने छोटे से घर के किचन के डब्बे में लगाया है। ये भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, जब पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन आपने होल हर डब्बे में करना है ताकि पानी इजिली ड्रेन आउट हो जाए। और ये भी देखे एक छोटे से कप में मैंने लगाया है, ये भी कितना प्यारा प्लांट है। मोसेस इन द कडल इस प्लांट का नाम है, और ये छोटे से कप में मेरे कप जो टूट गई थी उसमें मैंने लगाया, और काफ़ी दिनों से मेरे साथ है। और ये पर्पल हार्ट है, ये भी देखे इतना छोटे से कप में है तो कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इसे भी कम मिट्टी और छोटे पॉट में ये अच्छे से लग जाता है और रह जाता है, तो इसे भी आप लगा सकते हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट है स्पाइडर प्लांट है, ये भी छोटे पॉट में कम मिट्टी में इजली सर्वाइव कर जाता है। बहुत ही प्यारा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए एक छोटे से बॉल है उसमें लगाई, और एक जो केक में डालता है कोको पाउडर उसमें मैं लगाई हूँ, उसमें भी ये बहुत ही अच्छा इजली लग जाता है, इजली रह जाता है। तो इसे भी आप छोटे से बॉल में कम मिट्टी में स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हो, तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो फ्रेंड्स मैंने ऐसे बहुत सारे आपको प्लांट बताए जिसमें कि मिट्टी की रिक्वायरमेंट कम होती है, छोटे पॉट में भी लग जाता है, इवन इसको धूप की भी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ऐसा नहीं कि तेज़ धूप चाहिए, तो कम धूप में कम मिट्टी में छोटे पॉट में लगने वाला बहुत सारा प्लांट बताया, इसमें से आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है वो लगा लेना। अब मेरी वीडियो हो गई यहीं पर ख़त्म, अब मुझे दे इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे दुआओं में याद रखना, और मेरा वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय बाय, वाना वाला बाय।